तो आज है करवा चौथ का दिन, तो मैंने शुरुआत कर दी है यहीं से करवा चौथ की। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है करवा चौथ की पूजा की। तो हमारे यहाँ पे जो तस्वीर है उसी से पूजा की जाती है। कभी कभार करवा चौथ का पाना भी लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा करवा चौथ का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये है मेरी फैमिली मेम्बर, ये मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ है। तो सभी करवा चौथ की पूजा करने की तैयारी कर चुके हैं यहाँ पे। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ अपना फैमिली के साथ करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। और ये था नाइट में मैंने जो चूरमे के लड्डू बनाए थे भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिए तैयारी बिल्कुल रेडी है। और एक एक करके सभी टिक्की लगाते हैं, मतलब उनका तिलक करते हैं सभी। तो हम घर में तीनों हैं तो तीन जनों की एक एक करके पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करवे भी भरे जा चुके हैं। ये करवे हैं, कोई जल से भरता है, कोई शक्कर से और कोई चावल से भरकर रखता है। तो एक काजल और मेहंदी और कुमकुम, ये तीनों चीज़ें जो करवा चौथ को मैया को चढ़ाया जाता है। तो ये है चौथ माता का सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि ये साल भर में एक बार आता है। तो इसी दिन सारी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये तीनों बराबर बारी बारी से हम लोग पूजा करते हैं एक तरफ से। और देखिए सारी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। और जो बच्चे होते हैं वो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सारी तैयारी हो चुकी है। और आगे की जो तैयारी है वो होती है कथा सुनने की, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कथा सुनने के साथ ही देखिए यहाँ पर बच्चों का जो क्रेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा, जब कोई भी पूजा या त्यौहार होती है तो बच्चे पहले भागकर तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। और कथा सुनने के लिए आजकल तो जो प्रचलन चल रहा है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। पहले की जो औरतें थी वो मुंह से कहानी सुनती थी, लेकिन आजकल जो मोबाइल का दौर चलने लगा है तो ये जो मुंह से बोलने वाली कथाएं हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। और इसी तरह से सभी मोबाइल हाथ में लेते हैं और चल जाता है एक ही बार में। ना कुछ याद करने की ज़रूरत, ना सुनाने की ज़रूरत, बस बटन दबाया और रेडी। तो इस तरह से आजकल करवा चौथ की कहानी जो होती है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर भी देखें, मैं आपको बताऊँगी कि हमारे घर में भी यही चल रहा है। और मोबाइल पर ही कथाएँ सुनाने की जो ट्रेडिशन अब चलने लगा है वो पूरा हमारे घर में भी लागू हो चुका है। तो पहले तो मम्मा सुनाती थी हमें कथा और किताब से पढ़कर भी सुनाते थे, लेकिन अब जो यहाँ पर जो प्रचलन है जो हमारे घर में भी लागू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है और मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि मोबाइल से किस तरह से कथा सुन रहे हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर जो लड्डू है उसका भोग भी लगाया जाएगा। और हमारे घर में जो होती हैं, घर में जो भी बनता है पूड़ी पकवान जो भी बनता है वो माता जी को जरूर चढ़ाया जाता है और वो सुबह उठकर गाय को दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे करवा चौथ की पूजा की जाती है। आपके यहाँ पे किस तरह से की जाती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दिखाना। ये देखिए तो मैं भी यहाँ पर चढ़ाने जा रही हूँ यही पूड़ी। और जो छोटे छोटे से पुए बनते हैं मीठे पुए, या राजस्थान में पुए जरूर बनाए जाते हैं, तो मीठे पुए ये दोनों चार चार करके चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये देखिए पूरा सुबह का इंतज़ार हो रहा है इस तरह से। और सुबह से हम बिना पानी पिए ये व्रत करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जो पानी पीकर भी व्रत करते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। और लेकिन हम लोगों ने शुरू से इसी तरह से मम्मा ने व्रत कराए हैं तो इसी तरह से हम करते आए हैं। और यहाँ पे देखिए साड़ी कुमकुम मेहंदी और सभी चढ़ाए जाते हैं। और ये दी जाती है अपनी मदर इन लोग को सभी सुहाग का जितना भी सामान है। ये देखिए ये जो लड्डू है वो गणेश जी को चढ़ाए जा रहे हैं, चौथ माता को चढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जितने पूड़ी पकवान बनते हैं और लड्डू, इन सब का भोग यहाँ पे करवा चौथ पे लगाया जाता है। तो अब बारी है कथा सुनने की। तो ये देखिए अब सबसे पहले हमारे यहाँ पे कन्या को टीकी लगाई जाती है। तो ये मेरी बेटी है जिसके की लगाई जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है कि सबसे पहले मेरी लगाई जा रही है। और यहाँ पे ये देखिए पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है,
तो ये देखिए करवा चौथ की कहानी सुनी जा रही है वो भी मोबाइल पे, और ये चंदा मामा को अर्घ दिया जा रहा है। तो ये है छत का नज़ारा, मेरी शहर का नज़ारा, शाम का 9 से 10 बजे का, जिस शहर में मैं रहती हूँ तो बिल्कुल रोशनी नहीं है। और ये देखिए चारों तरफ, और ये चंद्रमा भी उग चुका है 10 बजे तक यहाँ पर। और ये था एक छोटा सा फैमिली व्लॉग्स, और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये है छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में। बाय बाय।